हाय फ्रेंड्स मैं आकांक्षा जी के आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी लोग कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में रह रहे होंगे जो महामारी हमारे देश में फैल रही है उसका सभी लोग सहयोग कर रहे होंगे सरकार का क्योंकि एक अगर हम लोगों ने अभी आ, सरकार को सपोर्ट नहीं किया तो बहुत भयावह स्थिति बन सकती है लेकिन आप अपने घर में रहिए और अपना जो एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए ये मत सोचिए कि अब क्या होगा कोरोना के चक्कर में और आ, सरकार बदल गई है उसके चक्कर में बस आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिएगा और आज मैं कुछ न्यूज़ लेके आई हूँ आपके लिए देखिए गवर्नमेंट चेंज हो गई है और जब गवर्नमेंट चेंज मतलब जब ही चुनाव हुए थे तो उसके पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था वर्ग एक और वर्ग दो का और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने थे तो जब ही एग्जाम कंडक्ट हुए थे तो उसके पहले ही सरकार चेंज हो गई थी तो उस समय पोस्ट बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना थी क्योंकि उस समय पोस्ट रिक्त थे आ, हजारों में पच्चीस से तीस हज़ार पद रिक्त हैं अलग अलग वर्गों के तो बहुत सारे पद रिक्त हैं तो अब सरकार ये चाहेगी कि जो पद रिक्त हैं उनको इसी में ही कंडक्ट करा ले इसी में ही ऐड कर दे तो और जगह जगह पे ज्ञापन दिए गए हैं आ, अध्यापक संघ हैं उन्होंने पोस्ट बढ़ने की जगह जगह ज्ञापन दिए हैं तो वो ज्ञापन के द्वारा भी सरकार जो है अभी सरकार वही काम करेगी देखिए फिर चुनाव है जो कुछ सीट्स हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं तो उनके लिए जो उपचुनाव होना है तो सरकार ये ज़्यादा से ज़्यादा करेगी कि हम जो भी काम पेंडिंग है और अच्छे से अच्छा करें और इस्पेशली शिक्षकों के चक्कर में ही जो सरकार चेंज हुई है तो शिक्षक मेन मुद्दा है तो शिक्षकों के लिए अच्छा ही होगा तो जितने भी ज्ञापन दिए हुए हैं और सभी लोगों ने अपने अपने जिलों में जाके ज्ञापन दिए हैं तो उसका प्रभाव जो है वो पॉजिटिव रहेगा और वर्ग एक और वर्ग दो में पद बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इसके चलते क्या होगा कि जिन लोगों का नाम अभी मेरिट में नहीं आया है वेरीफ़िकेशन जिनका नहीं हुआ है वेरिफिकेशन की जो अम, अ, वेरिफिकेशन जो होना है जिनका डॉक्यूमेंट और जो नहीं आया है जिनको वो उनका भी नाम अब आ सकता है क्योंकि पोस्ट बढ़ जाएंगी तो कम नंबर भी जिनको मेरिट में नहीं आया है उनका भी अ, होने का पूरा पूरा चांसेस है तो आप लोग भी अपना सभी तैयारी करके रहिएगा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके रखिएगा क्योंकि पोस्ट बढ़ती हैं तो आपका तुरंत ही वेरीफिकेशन हो जाएगा और ऐसे ही वर्ग तीन का है वर्ग तीन का जो एग्ज़ाम है देखिए गवर्नमेंट चेंज के चक्कर में तो नहीं होगा डिले लेकिन हाँ कोरोना के चलते जो एग्ज़ाम है अगर कोरोना जैसे कि आज न्यूज़ में आ रहा है कि बारह अप्रैल तक नहीं सही होता है तो अगर 12 अप्रैल तक कोई संक्रमण का ख़तरा रहता है उस कोरोना वायरस को नष्ट होने में तो, आ, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो डिले हो सकता है अप्रैल से मई जा सकता है और उसमें पोस्ट भी बढ़ सकती हैं जो पात्रता परीक्षा है उसमें पोस्ट भी बढ़ सकती हैं आपके वर्ग तीन में तो आपके लिए हर तरीके से अच्छा है और शिक्षकों के लिए जो भी चीज़ आएगी जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने हमेशा से ही अच्छा किया है और आगे भी वो अच्छा करेंगे और जो शिक्षकों के लिए जो इतने सारे खाली पड़े हैं पोस्ट क्योंकि अगर अभी नहीं भरेंगे तो फिर एकदम से फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और हर जगह पे हर गांव में शिक्षक की बहुत ज़्यादा कमी है तो कहाँ से शिक्षक लाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक भी जो मेन जहाँ जहाँ पे जो गांव वगैरह थे वहाँ पे मेन शिक्षक है ये सब लोगों ने अपने तबादले करा दिए हैं अतिथि शिक्षकों के भरोसे है गांव तो वहाँ पे भी परमानेंट एक टीचर की ज़रूरत है और बच्चों को एक अच्छे सा वातावरण नहीं मिल पा रहा है अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं तो इन सबको देखते हुए ज़रूर कोई कठोर फैसला लिया जाएगा और यहीं पे ही पद जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे हजारों की संख्या में पद लिखते हैं अगर पूरे हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों में से जिनका भी नहीं हुआ है उनके होने के पूरे चांसेस हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा अगर आप मेरिट में नहीं आए हैं तो भी आपके होने के चांसेस हैं आप खुश रह के अपनी पढ़ाई कीजिएगा साथ ही साथ मध्य प्रदेश में और भी भर्तियाँ आने वाली हैं ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप फोर महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली है ग्रूप बन, ग्रूप समिधा की आने वाली हैं और और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं तो आप इसलिए अपना एम पी जी के तैयार कीजिएगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने एक पाँच हज़ार प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया है जिसके मैं अलग अलग पार्ट आपको डेली लाती हूँ जहाँ पे वर्ल्ड लाइनर पूरे प्रश्न हैं मध्य प्रदेश के तो आप उसको भी देख सकते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप एम की तैयारी कर रहे हैं तो मेन्स के लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी देख सकते हैं तो अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा और अपने मन में ही टेंशन पाल के कि ऐसा हो जाएगा तो अब ऐसा नहीं होगा तो ये कुछ मत सोचिएगा जो होगा सब अच्छा होगा बस ये सोचिएगा ओके फ्रेंड्स थैंक यू